लखनऊ सिविल कोर्ट में परिसर में गोलीकांड पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अतीक ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, तो फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। कानून व्यवस्था का राग अनापने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आप देख लें पहले अतीक और अशरफ न्यायिक हिरासत में मरे, उसके बाद आज कोर्ट परिसर के अंदर ही आज गोलाबारी हो गई, गोली चल गई, वहाँ पर एक हत्या हो गई, एक बच्ची की भी गोली लग गई, लेकिन फिर भी राधे राधे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहते हुए कि बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। अपराधी कहते माफिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब शूटरों का राज हो गया है, शूटर जहाँ चाह रहे हैं जिसको मारे दे रहे हैं, चाहे वो थाने हों, चाहे वो न्याय परिसर हो, चाहे कहीं भी हो। लखनऊ सिविल कोर्ट में परिसर में गोलीकांड पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अतीक ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, तो फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। कानून व्यवस्था का राग अनापने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आप देख लें पहले अतीक और अशरफ न्यायिक हिरासत में मरे, उसके बाद आज कोर्ट परिसर के अंदर ही आज गोलाबारी हो गई, गोली चल गई, वहाँ पर एक हत्या हो गई, एक बच्ची की भी गोली लग गई, लेकिन फिर भी राधे राधे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहते हुए कि बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। अपराधी कहते माफिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब शूटरों का राज हो गया है, शूटर जहाँ चाह रहे हैं जिसको मारे दे रहे हैं, चाहे वो थाने हों, चाहे वो न्याय परिसर हो, चाहे कहीं भी हो। लखनऊ सिविल कोर्ट में परिसर में गोलीकांड पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अतीक ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, तो फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। कानून व्यवस्था का राग अनापने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आप देख लें पहले अतीक और अशरफ न्यायिक हिरासत में मरे, उसके बाद आज कोर्ट परिसर के अंदर ही आज गोलाबारी हो गई, गोली चल गई, वहाँ पर एक हत्या हो गई, एक बच्ची की भी गोली लग गई, लेकिन फिर भी राधे राधे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहते हुए कि बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। अपराधी कहते माफिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब शूटरों का राज हो गया है, शूटर जहाँ चाह रहे हैं जिसको मारे दे रहे हैं, चाहे वो थाने हों, चाहे वो न्याय परिसर हो, चाहे कहीं भी हो। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।